बहुत बता रहने दीजिए, पाकिस्तानी जनाब मोहसिन हसन खान उन्हां दी कहानी सुनान जा रहा वा कि किस तरह वो क्रिकेट विच आए, किस तरह फिर अपने अरूज दे वेले एक भारतीय जिहड़ी है टॉप क्लास हीरवन इन्हां ते मर गई, फिर किस तरह इन्हां दे पिछे दौड़ गए ते भज के कराची अपड़ी आके फिर इन्होंने विआह किया, फिर विआह किन्ने साल चलिया, उन्हां चो धी भी पैदा हुई, फिर तलाक क्यों हो गई, वो की सारे मामलात बने उस भारतीय अदाकारा रीना राय ते क्रिकेटर पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन हसन खान दे विच वो सारे वेरवे दे नाल तुहाडे नाल मैं सांझे करन लगा वा। लो फिर उस तो पहले अगर चैनल ते वेखो पंजाब ते नवे आ गए हो ते सबसक्राइब करो, वीडियो नूं लाइक करो, बैल आइकन नूं प्रेस कर लो ताकि जदों वीडियो लगे तो नोटिफिकेशन तुहाडे तक अपड़े ते तुसीं वीडियो नूं वेख सको। आओ फिर प्रॉपर वीडियो नूं स्टार्ट करने हैं। बेलियो मोहसिन खान जी 15 मार्च 1955 नूं पाकिस्तान के सूबा सिंध शहर, बहुत वड्डे शहर, बल्कि पाकिस्तान के सब तो आबादी के लिहाज नाल वड्डे शहर कराची विच जम्मे सन। तो इन्हां दे प्यो जी फौज विच जिहड़े समुंदरी फौज है ना उहदे वड्डे अफसर सन, इन्हां दी मां जिहड़ी है उह जी अमरीका तो पढ़ के आईआं सन ते स्कूल दे टीचर सन, बल्कि उह प्रिंसीपल सन। मोहसिन खान नूं बचपन चों जिहड़ा ना खेडां दा शौक सी, खिडारी सन, मुख्तलिफ खेडां खेडदे रहिंदे सन, जिहदे विचों बैडमिंटन उहदे इह जूनियर चैंपियन वी रहे, लेकिन आखिर ते इन्होंने चुग लिया क्रिकेट नूं ते क्रिकेट दी दुनिया च बहुत वड्डा इन्हां नां कमाया इस बंदे ने। तो पहला वनडे जी इन्होंने जिहड़ा खेडण दा इन्हां नूं मौका मिलिया इंटरनेशनल लैवल ते उह जी वैसट इंडीज़ दे खिलाफ सी 16 मार्च 1977 नूं, ते अखीरला जिहड़ा वनडे इन्हां ने खेडिया उह 2 नवंबर 1986 नूं श्रीलंका दे खिलाफ खेडिया सी। तो पहला टैसट इन्होंने मोहसिन खान साहब ने जी 18 जनवरी 1980 नूं वलैत यानी कि इंग्लैंड के खिलाफ खेडिया सी, ते अखीरला जिहड़ा टैसट उन्होंने वैसट इंडीज़ के खिलाफ खेडिया सी 20 नवंबर 1999 नूं। बहुत सारी क्रिकेट खेडी इन्होंने, इंतहा दी क्रिकेट खेडी, तो वड्डा नाम कमाया, कोई माड़े मोटे खिडारी नहीं सन, यानी कि ये टुले भी लाते रहे, ओपनर बैट्समैन भी सन, तो फिर ये गेंदा भी कराते होंगे सी। एक बार ये भारत के खिलाफ खेडे सन तो 101 स्कोर इन्होंने बनाया तो नॉट आउट रहे सन सोनियो, अगो तुम हिसाब ला लो कि वड्डा खिडारी सी। बेलिए एक बार आस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ खेडदे हुए टैसट मैच में 465 स्कोर बनाए तो जवाब में पाकिस्तान ने 624 स्कोर बना दिए, तो तुम्हें पता है मोहसिन खान ने कितने स्कोर बनाए, 16 छक्के मार के 159 टोटल इन्हें स्कोर बनाया सी, हिसाब ला लो। फिर 83 में आस्ट्रेलिया के खिलाफ खेडदे हुए एक मैच में टैसट मैच में मोहसिन खान ने डबल सेंचुरी भी बनाई। 1982 भारत ने जी पाकिस्तान का दौरा किया, तो मुल्तान च खेडदिया हो पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ मोहसिन खान ने एक वनडे 117 स्कोर बनाए सन। फिर इंडिया में जाके भी मोहसिन खान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेडी, ये उही दौर से उहदा अरूज का कि जदों उस वेले दी टॉप क्लास हीरवन रीना राय जिहड़ी है वह मोहसिन खान ते डुल गई सी, तो इन्हों के इश्क विच गिरफ्तार हो गई, फिर इन्हों के पिछे बड़ा जनाब वाली उन्हें गेड़े मारे, आखिर तुहानू पता बंदा हुंदा तो हुसन ते भी रह जांदा हुंदा, लिहाजा इन्होंने उन्होंने नाल इश्क हो गया। तो यह भी तुहानू दस दे जाइए कि 1977 तो लग के 1986 तक अपना इंटरनेशनल क्रिकेट खेडी मोहसिन खान ने, जिदे विच उन्होंने 48 टैसट खेडे ते 75 उन्होंने वनडे मैचों में शिरकत की थी। तो इंतहा दा खूबसूरत उस बंदे ने करियर गुजारिया, फिर समझो कि फिल्मों वाले पास आ, क्योंकि रीना रॉय नाल इश्क चल रहा सी उस वेले, तो वह फिल्मों की टॉप की हीरोइन सी, लिहाजा उन्हें आख्या कि तू आ साड़ियां फिल्मों च काम कर, ये फिर फिल्मों वाले पास अपनी महबूबा मशूका के मगर टुर पे। तो फिर बेलियो रीना राय जिहड़ी है मोहसिन खान के पिछे कराची अपड़ गई, इन्हां दे मगर आ गई। हाँ जी, ये इश्क बड़ी कुत्ती शायद बंदे नूं नहीं जीवन दिंदा, नहीं कितें खलौण दिंदा, लिहाजा कराची इन्हां दे पिछे आई, तो इन्होंने फिर इत्थे आके ते विआह कर लिया सी। विआह करन तो बाद इकट्ठे काफ़ी देर इत्थे रहे ने, फिर इन्हां विचों इन्हां दी एक धी भी पैदा हुई जिहदा नाम मोहसिन खान ने रखिया सी जन्नत खान,
लेकिन बाद में जो इन्हें तलाक हुई तो रीना राय जी उधर चल गई, उधर जाके फिर उन्होंने जन्नत तो इन्होंने नाम बदल के ते सनम राय रख लिया। वो की सारा मामला बनया वो सुनो जी। तुझसे बिछड़ के गम के मारे मैंने यूं दिन रात। असल विच ना रीना राय चाहती सी कि मोहसन खां जिहड़ा है ना ये अपना क्रिकेट नूं छड्ड के ते पक्का ही मेरे नाल जिहड़ा ना फिल्मां च असीं काम करांगे ते इंडिया हिंदुस्तान जाके रहेगा। दूसरे पासे मोहसन खां एक मुहिब्बे वतन मुंडा सी, उन्हें कहा मैं उत्थे नहीं जाना मेरा, क्योंकि मैनू सारा कुछ पाकिस्तान ने दिता है लिहाजा मैं पाकिस्तान दे विच ही रहना। ये राजी ने सुनो उधर जाण नूं, उह चाहुंदियां सन कि मेरे नाल उधर जाए। असल सारा मामला इत्थों बनिया सी। फिर पिछले दिनों रीना राय ने 2023 विच ही एक इंडियन टाइम्स नूं इंडिया टाइम नूं देख इंटरव्यू देंदिया ये गल कीती, इंकशाफ कीता बड़े सालों बाद खामोशी तोड़ी उन्हें जदों वडेरे हो गए। उन्हें कहा मोहसन खां बहुत अच्छा है, मुहब्बत करने वाला सी, वो चाहता सी कि पाकिस्तान रहिए या मैं तेनों लंदन में जिहड़ा ना घर लै देना उत्थे असीं रह लैंदे हां, लेकिन मैं चाहती सी कि मैं हिंदुस्तान रहना जी। इहो ही साडे इख्तलाफात तलाक की वजह बनी सी। इत्थों फिर इन्हां दी तलाक हो गई, वो फिर अपनी बच्ची लै के ते अपना इंडिया तुर गई। मोहसन खां ने फिर दोबारा पाकिस्तान च शादी कर ली। अब क्या करें, मुझसे क्या पूछता है, सपने तो तुझे देखने का शौक है ना, बड़ा आदमी तुझे बनना है। फिर 1999 मोहसन खां ने क्योंकि भारत भी तो इन्हों का डंका वज गया, इंडस्ट्री चाहती सी क्योंकि जो इस तरह का कोई इशू उठता है ना तो लोग योजे लोगों को फिल्मों लेंदे ने ताकि ऑडियंस जी है ना ज़्यादा सिनेमे वाले पास जाए, ठीक है ना। वो एक समझो कि टॉपिक जो कोई भी इशू अरूज से होए फिर लोग उन्होंने वेखना चाहते हैं, लिहाजा रीना राय तो इंडिया तुर गए थी, हूँ इंडिया के वाम यूस अपना इनू मोहसन खां भी वेखना चाहते सन, लिहाजा फिल्मों अगे ही जान पछाण हो गई सी। हाँ जी 1999 बटवारा फिल्म आ गई, बहुत प्यारी फिल्म, मैं किसी जमाने ना उन्हू इंडिया के चैनल DD नैशनल से वेखिया, कमाल फिल्म है यार जी। दे धर्मेंद्र ने काम किया, विनोद खन्ना, अमरीश पुरी, फिर शम्मी कपूर बहुत वड्डी स्टार है, डिंपल कपाड़िया, बहुत प्यारी फिल्म इन्हां दी जिहड़ी कि सुपर हिट होई सी। आप गलत पेशे में आ गए हरमन सिंह, आप मेरी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करेंगे। तो इस फिल्म में खूबसूरत अदाकारी ऐसी मोहसन खां ने की थी कि इन्हां नूं पहली फिल्म में ही मावन अदाकार का यानी कि स्पोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिता गया। फिर 1991 की फिल्म आदित्य पंचोली नाल बिलियां अखां वाले मुंडे नाल खूबसूरत फिल्म इन्हां दी यार कमाल फिल्म है साथी, जिहड़ी कि ब्लॉकबस्टर फिल्म होई सी। फिर 1991 ही अनिल कपूर साहब नाल बहुत प्यारी फिल्म इन्हां दी प्रतिकार, खूबसूरत फिल्म है वेखण वाली, मोहसन खां का काम भी बहुत शानदार है। फिर 1991 दी होई राज बब्बर दे नाल बहुत वड्डे अदाकार उन्हां दे नाल इन्हां दी फिल्म आई गुनहगार कौन, वह भी बहुत प्यारी फिल्म। फिर 1991 लैजेंडरी फनकार उन्होंने हीरो संजय दत्त के नाल इन्हों की फिल्म आ गई जी फतेह, 91 खूबसूरत फिल्म हो गई। फिर 1992 मोहसन खां की जैकी श्रॉफ ना फिल्म आई, यानी कि उस जमाने के वड्डे वड्डे हीरोज़ नाल इन्हों कास्ट किया जा रहा है, लाड साहब वह नाँ सी, वह भी जबरदस्त मूवी इन्हों की। फिर 1994 इन्हों की इंडिया की फिल्म मैडम एक्स आई, कमाल फिल्म हो गई। फिर संजय दत्त के नाल 1997 की महानता फिल्म, जे तुसी यह फिल्म नहीं मोहसन खां की वेखी तो समझो फिर भी कुछ नहीं वेख्या, एड्डी जबरदस्त मूवी है, यह भी मैं वेखी है। फिर इंडिया तो बाद मोहसन खां नूं पाकिस्तानी फिल्मों बहुत ज़्यादा कास्टिंग किया गया, बहुत जबरदस्त फिल्मों तो इंतहा दी फिल्मों इस बंदे ने कीतियां, जिवें कुड़ियों को डाले दाना, इंसानियत नदीम के नाल बहुत प्यारी फिल्म इन्हों की। फिर 1994 पाकिस्तानी फिल्म बेटा बड़ी आला इन्हों की, फिर सैयद नूर साहब ने एक फिल्म बनाई सी घूंघट, वो बड़ी कमाल फिल्म है। फिर जन्नत फिल्म पाकिस्तानी इन्हों की। फिर पाकिस्तानी फिल्म एक होर बहुत शानदार है जी जानवरों से बनी सी हाथी मेरे साथी, वो भी बड़ी आला इन्हों की। यानी कि जिथे मोहसन खां ने क्रिकेट की दुनिया बहुत व्डा नाँ कमाया ना उत्थे उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में भी एक छाप छी यार कि वाकई को बंदा है। तो फिर क्रिकेट तो फिल्मों च आए, तो फिल्मों चो फिर जो नाबेली बुढ़े हो डे सन फिर आ गए क्रिकेट वाले पास। फिर 2010 क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो PCB जो चीफ सिलैक्टर ने वो मुंतखब हो गए। फिर सन 2012 जी ये क्रिकेट के कोच बन गए, बड़ी शानदार इन्होंने उधर भी खिदमात दतिया। तो 7 जनवरी 1957 बंबई में जम्मन वाली रीना राय जड़िया ने इस वेले
हयात ने ते अपनी धी सनम राय जिदे के जन्नत खान जी का नाम वो जी इंडिया विच रह रहे ने उन्हां दी कुड़ी भी अगो फिल्मां विच आ रही है ते जिहड़े मोहसन खान ने वह पाकिस्तान के क्रिकेट विच अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे ने बहुत अच्छा भी इन्हां भी कम कीता ते सोहनी लाइफ गुजार रहे ने। अल्लाह ताला जी सब नू सलामत रखे प्यारियो। ऐ जी एक असी कहानी पेश की मोहसन खान ट्रिब्यूट पेश किया। अल्लाह पाक जी खुशियां दे सब नू दोवां जहानां विच दिओ इजाजत। फिर किसी होर वीडियो दे नाल तुहाडे नाल मुलाकात करने आ जी। अल्लाह बेली।